नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी का यह खास इनिशिएटिव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में। टारगेट है हमारा सीजीपीएससी का आने वाला प्रारंभिक परीक्षा, जिसके मद्देनजर यहां पर हम लोग कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं, एक बार फिर से उनको शेड्यूल बता देता हूं किस तरह से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। सुबह 8 बजे आप लोग इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हो, शाम को 5 बजे आप लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। इसके अलावा रात को 8 बजे आप लोग यहाँ पर सीजीजीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। जो बच्चे नए हैं वो पिछले वीडियो जाकर भी रिवाइज कर सकते हैं, सारा यूट्यूब में प्लेलिस्ट में बना हुआ है, चाहे पॉलिटी के क्वेश्चन हो, चाहे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के क्वेश्चन हो, या फिर अदर सब्जेक्ट्स हो जैसे इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, तो वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। एक महत्वपूर्ण बात है और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज शाम को 7 बजे यूट्यूब लाइव सेशन में आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। इस रिवीजन सेशन में अब आगे बढ़ते हुए एक पहल आप लोगों के लिए और किया जा रहा है, यह पहल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शाम को 7 बजे उस YouTube लाइव सेशन में आपको वो पहल बताया जाएगा, आप लोगों को वो बहुत बेनिफिट करेगा। तो शाम को 7 बजे YouTube लाइव सेशन में ज़रूर आइएगा। और इसके अलावा वहाँ पर हम लोग रणनीति भी डिस्कस करेंगे कि अब आगे की रणनीति, 25 दिन बच गया है बस, तो उस 25 दिन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उस पर भी बातें किया जाएगा। इसके अलावा आपके मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे अभी, तो उन सवालों के जवाब भी देने की कोशिश किया जाएगा। तो शाम को 7 बजे मिलते हैं YouTube लाइव सेशन में। अभी जो है, कल जैसे कि जो करंट अफेयर वाला सेशन था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो रैंकिंग रिलीज़ की जाती है या फिर जो रिपोर्ट्स रिलीज़ किए जाते हैं उस पर आधारित कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज भी हम इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के कितने शहरों को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस साल का प्रश्न है और लास्ट के अक्टूबर और नवंबर महीने का एक करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बताइए कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने शहरों को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे ना, तो वहाँ पर यूनेस्को से संबंधित हर साल एक न एक प्रश्न आपको दिख ही जाएगा। तो इसलिए यूनेस्को से रिलेटेड अगर इंडिया के फेवर में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अनाउंस होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने 1, 2, 3 या फिर 4, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2 शहरों को। वो दो शहर कौन कौन से हैं तो वो सबसे पहले समझ लीजिए। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। उसी दिन यूनेस्को की एक बैठक में पूरी दुनिया भर के 66 शहरों को क्रिएटिव शहरों के लिस्ट में शामिल किया गया। और यूनेस्को के लिस्ट में अब तक टोटल क्रिएटिव शहरों की जो स्थिति हो गई है वो लगभग 250 के आसपास हो गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इस 66 शहरों में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है, कौन कौन सा है, पहला है आपका मुंबई, दूसरा है आपका हैदराबाद, ठीक है। और दोनों को क्यों किया गया है तो ये बात को भी समझिएगा, मुंबई को किया गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स के लिए और हैदराबाद को किया गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खान पान के लिए। तो इन 2 शहरों को जो है क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया है यूनेस्को की तरफ से, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न में पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पर थोड़ी सी बात हम लोग यूनेस्को के बारे में भी करें तो यूनेस्को का आप लोगों को फुल फॉर्म पता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1946 में गठित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो यूनेस्को के बारे में भी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को पोप फ्रांसिस ने संत की उपाधि प्रदान की है। ऑप्शन है आपके सामने, मरियन थ्रेसा, जैकलिन डिसूजा, वी मुरलीधरन या फिर ऑल ऑफ दी एवव। साथ में प्रश्न करते चलिएगा, साथ में आप लोग भी यहाँ पर, क्योंकि रिवीजन सेशन है तो आप लोगों ने सारी चीज़ों को मैं उम्मीद करता हूँ पहले पढ़ रखा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आप इसको तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, मरियन थ्रेसिया।
ठीक, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो भारतीय नन मरियन थेरेसा को हाल ही में संत की उपाधि दी गई है। वेटिकन शहर में एक सभा में आयोजित में संत शहर की जो है इनको उपाधि दिया गया है। अगर हम लोग मरियन थेरेसा की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1876 यानी कि 1876 को। कहाँ हुआ था इनका जन्म? केरल में। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई आपका 8 जून 1926 को। ठीक है, तो इनकी मृत्यु के लगभग 93 वर्ष बाद जो है पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बहुत अच्छे से कर जाइएगा और आसपास के एक्सप्लेनेशन को भी समझकर आप लोगों को यहाँ पर जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39वें विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में ही किया गया है इस 39वें विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन। ऑप्शन में आपको भारत के प्रमुख राज्य का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा सही है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। 39वें विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? प्रश्न का जवाब होगा ए, ओडिशा। ठीक, उड़ीसा में कहाँ? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में कहाँ? कलिंग यूनिवर्सिटी में इस 39वें विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। थीम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कविताओं के द्वारा सहानुभूति इसका थीम था। अगर हम लोग इस कवि सम्मेलन की बात करें तो विश्व कवि कांग्रेस इस सम्मेलन की शुरुआत हुई थी 1969 में। ठीक है, और यह 39वां सम्मेलन था, ये तो प्रश्न में ही है, समझ गए आप लोग। और इसके बाद इस सम्मेलन का आयोजन किसकी तरफ से किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, विश्व कला व संस्कृति अकादमी द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, क्रिस्टालिया जॉर्जिवा, बान की मून, डेविड मालपास या फिर अरुंधति रॉय। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, क्रिस्टालिया जॉर्जिवा को हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है और ये रहने वाली हैं बुल्गारिया की और बहुत ही फेमस जो है अर्थशास्त्री हैं ये। और इन्होंने किसकी जगह ली है इस बात को ध्यान रखिएगा, इन्होंने जगह लिया है क्रिस्टलिन लगार्ड का जो कि जर्मनी की रहने वाली थी और आईएमएफ की आप कह सकते हो पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं। आईएमएफ की अगर हम बात करें तो ये वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखता है, यानी कि इसके जितने भी सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति पर नज़र बनाना इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मुख्य कार्य होता है। इसकी स्थापना 1944 यानी कि 1944 में किया गया था, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना? बताइए, समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन है आपके सामने, ताइवान, यूएई, भारत या फिर चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो होगा आपका ऑप्शन ए, ताइवान जो है एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने समलैंगिक विवाह को अपनी संसद की तरफ से एक कानून बनाकर पारित किया है और मंजूरी दे दिया है कि उस देश में समलैंगिक विवाह किया जा सकता है। तो बस आप लोग यहाँ पर देश का नाम याद रखिएगा, कौन सा देश है? ताइवान। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक का अध्यक्ष हर साल अपॉइंट होते नहीं हैं, जब भी अपॉइंट होते हैं तो उनका कार्यकाल 5 साल 4 साल इतना रहता ही है। तो 2019 में अगर वर्ल्ड बैंक के न्यू प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि विश्व बैंक के जो अभी प्रेसिडेंट जिनको नियुक्त किया गया है वो विश्व बैंक के 13वें प्रेसिडेंट हैं। किनको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डेविड मालपास को। तो इस तरह से इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
और इन्होंने किसकी जगह लिया है, इन्होंने जगह लिया है जिम योंग किम का। वर्ल्ड बैंक की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में किया गया था। इसका मुख्यालय भी है वॉशिंगटन डीसी में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसके अगर हम लोग टोटल मेंबर की बात करें वर्ल्ड बैंक के, तो इसके टोटल मेंबर जो है 189 है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, किस लिए इसको गठित किया गया है, आप लोगों ने पढ़ा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, कुछ समय पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता का उद्घाटन किया गया, इस भगवत गीता में कुल कितने पृष्ठ हैं? ऑप्शन है 800, ऑप्शन बी है 700, या फिर 765, या फिर 670। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन डी 670। और अगर हम लोग इस भगवत गीता के वेट की बात करें तो 800 किलोग्राम का है। और विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता का लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कहाँ किया, नई दिल्ली में। और इस भगवत गीता को किसकी तरफ से तैयार किया गया है, तो इस्कॉन मंदिर की तरफ से इस भगवत गीता को तैयार किया गया है। बस एक दो पॉइंट्स आप लोग इस भगवत गीता से संबंधित यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊँचे मौसम केंद्र की स्थापना किस देश में की गई है? ऑप्शन है आपके सामने भारत, नेपाल, भूटान या फिर चीन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल में दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया है, और इसकी स्थापना जो है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी नामक एक गैर लाभकारी संस्था, जो कि एक गैर लाभकारी अमेरिकी कंपनी है, इसकी तरफ से किया गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा, एवरेस्ट की चोटी पे दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र की स्थापना किया गया है, और एवरेस्ट की चोटी कहाँ स्थित है, नेपाल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात और समझिए, लाइट अभी गोल हो चुका है, और लाइट गोल होने की वजह से यहाँ पर लैंप जलाकर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पर शैडो भी आ रहा होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत भी होगा, तो इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि लाइट ऐसा पता चला है कि बहुत देर तक नहीं आएगा, और बहुत देर तक लाइट नहीं आया और लाइट के वेट में रह गए तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। और जिस हिसाब से शेड्यूल बना हुआ है, एक दिन भी मिस कर गए तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएंगी। तो इसीलिए लाइट कम है, तो इसलिए मेरी वॉइस से सुनकर अगर बोर्ड पे समझना है, या फिर तो वॉइस सुनकर बस थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर इसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में गांधी साइकिल रैली फॉर पीस का आयोजन किस देश में किया गया? साउथ अफ्रीका, भारत, सऊदी अरब या फिर किर्गिस्तान। तो महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर गांधी साइकिल रैली फॉर पीस का आयोजन जो है आपका सऊदी अरब में किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा डी, भारतीय दूतावास सऊदी अरब और सऊदी अरब सरकार की तरफ से मिलकर इस रैली का आयोजन किया गया था। तो प्रश्न अगर पूछा जाता है इस तरह से तो यहाँ पर आपसे बनना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? स्टॉक मॉरिसन, माइकल मैककॉर्मिक या फिर मेलकॉक टर्नबुल या फिर बेंजामिन नेतन्याहू। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा स्टॉक मॉरिसन होगा, जिन्हें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और इन्हें किन की जगह पर नियुक्त किया गया है, मेलकॉक टर्नबुल की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा कर देख लोगे तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कभी ना कभी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था, किसी कंट्री के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया था जो न्यूली अपॉइंटमेंट थे। तो इस तरह से आप लोग थोड़ी थोड़ी बात यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, डेविड कॉमशन या फिर रहोने गाले। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बोरिस जॉनसन। हाल ही में ब्रिटेन में जो है इलेक्शन हुआ था, जिसमें संसद की 650 सीटों के इलेक्शन में जो है कंजर्वेटिव पार्टी को 226 सीटें मिली थी, और कंजर्वेटिव पार्टी के जो हैं बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, और इन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी लेबर पार्टी को हराया था। तो याद रखिएगा, बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक की प्रबंधन निदेशक और वित्त अधिकारी नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी अंशुला कांत को जो है हाल ही में वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्रबंधन निदेशक और वित्त अधिकारी अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अंशुला कांत।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपेक समूह से सदस्यता छोड़ने का ऐलान कर दिया है? ओमान, कुवैत, ईरान, इक्वाडोर। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पर ये समझिएगा, ओपेक को दो कंट्री ने 2019 में छोड़ने का घोषणा किया। एक आपका कतर, जिन्होंने जनवरी 2019 में ओपेक छोड़ने की घोषणा किया और छोड़ भी चुका है, और अक्टूबर 2019 में इक्वाडोर ने ओपेक छोड़ने की घोषणा की, जो कि 1 जनवरी 2020 से इक्वाडोर ने ओपेक छोड़ चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा आपके ऑप्शन के हिसाब से इक्वाडोर। लेकिन कतर के बारे में भी याद रखिएगा, जनवरी 2019 में इसने भी ओपेक को छोड़ दिया। ओपेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इसकी हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि जितने भी बड़े बड़े उत्पादक पेट्रोलियम वाले देश हैं उन सारे उत्पादक देशों का एक संघ है ओपेक। इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया वियना में, और अगर हम लोग इसके मेंबर की बात करें, सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी, कांगो। तो इस तरह से इसके मेंबर्स के बारे में याद रखिएगा। इक्वाडोर भी इसका मेंबर था, कतर भी इसका मेंबर था, पहले 15 मेंबर हुआ करते थे लेकिन 2 मेंबर अभी इसके छोड़ चुके हैं। ठीक, तो इस तरह से ओपेक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जहां तक मेरा अनुमान सही है तो यहां से एक प्रश्न आपसे पूछे जाने की बहुत अधिक तक संभावना बनती है। तो इस प्रश्न को ध्यान से करिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कहता है, ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, जोजी बिनी तुंजी को मिस यूनिवर्स 2019 चुना गया है। स्टेटमेंट नंबर 3 है, टोनी एन सिंह को मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब प्राप्त हुआ। और स्टेटमेंट 4 है, आइसलैंड की सना मुरिन विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। अब आगे कूट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे असत्य पूछा गया है। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैंने 4 स्टेटमेंट बताए ना, यहाँ पर 4 प्रश्न आपसे बन रहे हैं, एक प्रश्न बहुत अधिक तक संभावना है कि आपसे प्रश्न में पूछे ही जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हम लोग ढूंढते हैं। ग्रेटा थनबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग की अगर हम लोग बात करें तो स्वीडन की रहने वाली है, 16 वर्ष की है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही हैं, और ये स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट मूवमेंट के संस्थापक भी हैं, और अभी जो यूनाइटेड नेशन का 74th सेशन चल रहा था उस समय से ये न्यूज़ में आई थी, और इन्हें हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, जोजी बिनी तुंजी को मिस यूनिवर्स 2019 चुना गया है, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। 68वां संस्करण था, 68th संस्करण था मिस यूनिवर्स का, जो कि जोजी बिनी तुंजी साउथ अफ्रीका की रहने वाली हैं, 26 वर्ष की रहने वाली हैं, जिन्हें कि मिस यूनिवर्स 2019 चुना गया है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तीसरा स्टेटमेंट, टोनी एन सिंह को मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब प्राप्त हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। 68th मिस यूनिवर्स था और 69th मिस वर्ल्ड था, जमैका की टोनी एन सिंह जो है मिस वर्ल्ड 2019 बनी है। दोनों के नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, मिस वर्ल्ड जमैका की नाम है टोनी एन सिंह, और मिस यूनिवर्स जो कि साउथ अफ्रीका की जोजी बिनी तुंजी बनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो चौथा स्टेटमेंट है हमारा, आइसलैंड की सना मरीन विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। सना मरीन जो है विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है, ये बात तो सही है, लेकिन ये आइसलैंड की नहीं है, ये है आपके फिनलैंड की। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है हमारा चौथा गलत हो जाता है। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा आज का डिस्कशन। जैसे मैंने बताया, लाइट गोल हो चुका है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को आई होगी, लेकिन फिर भी मैंने जो बोला उस वॉइस को सुनकर आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। खासकर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से करिएगा, और बाकी सारे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको ध्यान से करिएगा, और 7 बजे लाइव सेशन में आप लोग जरूर मिलिएगा। इसके अलावा मैं एक बात बता देता हूँ, कल 2 प्रश्न में यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हुए थे, एक बिमस्टेक। तो बिमस्टेक में टोटल मेंबर में बता देता हूँ 7 है, वहाँ पर मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया है, एक बार उस पिन को आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, जो भी करेक्शन है कमेंट मैंने पिन कर दिया है। तो जिन्हें भी लगता है
की गलतियां थी, तो दो ऑप्शन में वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, वो पिन किया हुआ है, एक बार आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।